हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप देख सकते हैं मेरे हरे भरे से प्लांट और सब के सब अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने सितंबर के सेकंड वीक, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और इस टाइम पर हम बहुत सारे जो सीड हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। और इस टाइम पर आप कौन कौन से सीड ग्रो कर सकते हो वेजी के, फ्लावर के, आप कॉमेंट करोगे तो मैं आपको डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाकर शो कर दूँगी। तो टेरेस का हाल जी कुछ ऐसा है, साफ़ सफ़ाई हो गई थी ये देखिए, और जो सेटिंग है वो चेंज हो चुकी है क्योंकि अब जो मौसम है वो बदलने वाला है धीरे धीरे करके। तो धूप जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, बस एक महीने की देर है। तो सब कुछ मैंने जो है वो जैसा विंटर में होना चाहिए उस हिसाब से मैंने सब कुछ लगा दिया है। ये वाला स्टैंड जो है ये टेम्प्रेरी है, ये यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा और यहाँ जो ये पीछे हैं ये सब हट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा मेरा प्लांट, सिंगल जानने का प्लांट। इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने इस प्लांट को बुशी प्लांट बनाया है। बहुत सारे इसमें इंसेक्ट आते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं गार्डन में, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आप सबके साथ शो करूँगी। तो आज मैं आपको कुछ सीड ग्रो करना बताऊँगी और एक एक्सपेरिमेंट होगा ये। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं जी, दोबारा से ट्राई करेंगे। तो चलिए अपने उसी टॉपिक पर आ जाते हैं। प्लांट तो आपने देख लिए हैं मेरे बहुत सारे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सारी तैयारी जो है वो कर ली है। और एक्सपेरिमेंट क्या है ये है, देखिए ये एक कागज़ का जो ग्लास टाइप का आता है, मैं इसका आज एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, इसका रीयूज़ करने वाली हूँ। तो आपने देख लिया मैंने इसके अंदर होल बना दिया है। तो अब इस होल से हमारी मिट्टी, न्यूट्रिशन सब कुछ बाहर ना निकल जाए, उसके लिए कुछ भी आप इसके अंदर रख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर धागे रख दिए हैं, आपके पास इस तरह का मिट्टी का, ईंट पत्थर का, छोटे छोटे टुकड़े जो पड़े रहते हैं वो रख दीजिए। मिट्टी मेरी है ये, मैंने इसमें ली है, देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका रेशियो। यहाँ पर मेरा 60%, ठीक है, 60% मेरा यहाँ पर ये कंपोस्ट है किचन गार्डन्स का, या फिर हमारा किचन से जो निकलता है और जो टेरेस पे से निकलता है वो सारा कूड़ा कबाड़ा का मैं बनाती हूँ कंपोस्ट। तो ये 60% कंपोस्ट है, 20% इसमें मैंने मिक्स किया है रिवर्स एंड, और बाकी हिस्सा जो बचा वो है हमारी मिट्टी, ठीक है। तो देखिए ये बनाकर मैंने रेडी करके रखा है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत ज़रा सा, इस बार मुझे नीम की खली कुछ अलग ही वैरायटी की मिली है। तो देखिए लगभग आधा चम्मच से भी कम मैं इसमें नीम की खली ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा, मतलब चुटकी भर या दो चुटकी आप समझ लीजिए, इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी। और इसमें बहुत ज़रा सा मैं ऐड करूँगी अपना फंगी पाउडर। फंगी पाउडर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका कारण ये है कि भाई देखो इस फंगस जो है, फंगस का अटैक जो है वो इससे बचाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको फंगी पाउडर इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैंने टैग ले रखा है, होममेड टैग है मेरा, ये देखिए इस तरह से मैं टैग बनाती हूँ और इस पर नाम लिख कर रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। क्योंकि आप सबको पता है गार्डन में एक ही जैसे पॉट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब अलग अलग डिज़ाइन के और अलग अलग कलर के पॉट होते हैं। तो देखिए इस तरह के पॉट जो है मेरे पास लगभग 40 हैं, इस तरह के पॉट जो है मेरे पास लगभग 80 हैं। तो इसी वजह से मैं क्या है टैग बना कर रख लेती हूँ। और ये गिलास देखिए इस टाइप के, जैसे कि मुझे तो याद रहता है मैंने कि इसमें क्या लगाया, अगर ये अलग गिलास है तो मुझे याद है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये मिट्टी के मेरे पास 15-20 है और ये भी 4-5 है, तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किस में क्या लगाया, तो इसलिए मैं टैग लगा देती हूँ। तो आप भी टैग लगा दिया कीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक आइसक्रीम स्टिक आई थी, ये मैंने अभी ग्रो किया है, तो मैंने इस पर लिख दिया है तोरी क्योंकि मुझे ये याद रहेगा। और हस्बैंड जो आते हैं उनको तो याद रहता नहीं, वो क्या करते हैं या तो उठा के इसे पलट देते हैं किसी गमले में, या फिर ऐसा करते हैं कि इसमें पानी नहीं डालते हैं। तो टैग लगाने से ये होता है कि उनको भी पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ लगा हुआ है। मैं बोल देती हूँ जिसमें टैग लगा है उसका मतलब कि उसमें कुछ है, ठीक है। तो हम क्या ग्रो करेंगे जी, बैंगन ग्रो करेंगे। वाइट वाले बैंगन आपने देखे ही होंगे, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एग हो, ठीक है ना, वाइट एग हो, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट ब्रिंजल IHS112, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी के हैं आप देख सकते हो। और ये पैकेट जो है मुझे 20 रुपीज़ का मिला है, मेरे नियर बाई जो शॉप है वहीं से ही मैंने इसको परचेज़ किया है। तो सीड जो है मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए इस तरह के सीड होते हैं, और इनको आप बस ऐसे ही सिंपली बिखेर दीजिए। और देखिए ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी आप अपना सीड ग्रो करोगे, इनको मैं किसी और में लगाऊंगी, तो जब भी आप कभी सीड ग्रो करोगे तो ऐसा नहीं आपने एक दो सीड ही लगा दिया, आपको ज़्यादा सीड लगाने हैं। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीड लगाओगे ना उतने ही ग्रो होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ही ये रेडी किया था, दूसरा भी मैंने रेडी कर दिया। तो अब क्या करेंगे, बहुत पतली सी लेयर आपको इसके ऊपर मिट्टी की लगा देनी है। देखिए जितना मोटा आपका सीड होता है ना उसके ऊपर उतनी मोटी आपको
मिट्टी की लेयर या कंपोस्ट की लेयर या वर्मी कंपोस्ट की लेयर या कोकोपीट की लेयर आप बना सकते हो। तो देखिए, आप रेशियो पूछोगे कि भाई जिसके पास कंपोस्ट नहीं है, तो माय फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिए, कंपोस्टिंग करना बहुत ही आसान है और बहुत ईजी है, और कंपोस्टिंग करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आपको कभी खाद नहीं खरीदना पड़ता, आप अपनी अर्थ पर कूड़ा नहीं फैला रहे हो, आपके घर का जो भी कूड़ा निकलता है वो उसका मैनेजमेंट आपके कंपोस्टिंग में हो जाता है। देखिए, करने से ही होता, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता, ठीक है। शुरुआत में मेरे कंपोस्टिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन करते करते मुझे सीखते सीखते मुझे उसको करते करते नॉलेज हो गया कि इसमें क्या चीज़ कम डल रहा है, क्या ज़्यादा डल रहा है, किसकी वजह से मेरा कंपोस्ट रेडी नहीं हो रहा है, या किसकी वजह से इसमें स्मेल आ रही है, या किसकी वजह से इसमें कीड़े पड़ रहे हैं, ठीक है। तो करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना कैसे कंपोस्टिंग होती है या क्या भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जिनके पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी की प्रॉब्लम है, वो कंपोस्ट ले सकते हैं और उसमें मिला सकते हैं कोकोपीट। जिनके पास कोकोपीट नहीं है, वो अपना रिवर्स सैंड मिक्स कर सकते हैं मिट्टी को भूरा बनाने के लिए, वेल ड्रेन बनाने के लिए, ठीक है। और भी बाकी सारे मार्केट में सर्च करके देख लो, वर्मी कोलाइट, वर्मी कोलाइट पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब भी आप ले सकते हो। सबसे अच्छा है कि आप किचन वेस्ट ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या आराम से मिल जाता है। आजकल किचन वेस्ट भी मार्केट में मिलने लगा है। तो ये लीजिए जी, कुछ नॉलेज भी हमने आपको दे दी और हमारे जो सीड है वो भी हमने आपके सामने ग्रो कर लिया है। आज मुझे 2-3 प्लांट रिपोर्ट भी करने हैं और सीड वगैरह भी ग्रो करना है, ठीक है। मौसम तो ऐसा ही हो रखा है, बस कभी धूप कभी छांव। तो चलिए वाटरिंग कर देते हैं अपने प्लांट में। तो देखिए, मैं तो भूल गई हूँ कि मेरे हजारे के आगे से जो उसकी जगह थी वो इसकी निकली हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ हजारा, इसके आगे से ना वो जो था वो निकल गया है। तो वाटरिंग हमने कर दी है। वाटरिंग आपको देखिए इतनी अच्छी से करनी है कि सारा पानी जो है ना वो नीचे से निकले। आपको बुलबुले दिख रहे हैं ना, इसका मतलब इनके बॉटम होल से पानी निकल रहा है, ऊपर से नहीं निकला ये, ठीक है। तो आपको ऐसे ही मिट्टी अच्छी सी बनानी है। और देखिए, हमने सीड जो है वो ग्रो कर दी, वाटरिंग भी कर दी। अब क्या करना है जी, अब इसको रख दीजिए कहीं भी शेडी एरिया में रख दीजिए। शेडी एरिया कैसा होता है जी, तो ये देखिए ऊपर बड़ा सारा प्लांट है ना, देख रहे हो, ऊपर धूप है और नीचे क्या है जी, छाया है। शेडी एरिया इसी को बोलते हैं, यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आपके बिल्कुल टेरेस पर कहीं छाया नहीं आती है, तो ऐसे तो कोई जगह नहीं हो सकती कि बड़ा सारा प्लांट है उसके नीचे छाया ना हो, कहीं भी होगी। अगर नहीं है तो अपनी बालकनी में रख लीजिए, ठीक है। तो ये था इसका ग्रोइंग मेथड। आपको भी अच्छा लगा तो ज़रूर ग्रो करना। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस टाइम पर कौन सी विंटर वाली वेजेस ग्रो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।